हेलो, बहुत ही लो स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। संभवतः आज फाइनल के मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। जो भी दर्शक यहां पे उपलब्ध है उनको चंद्रकला फिलिंग स्टेशन द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट, जिसके चौथे साल का महायुद्ध यहां पर खेला जा रहा है, बलिया लखनऊ मार्ग के बिल्कुल बगल में सारी जहांगीर पट्टी की धरती पर ये सारे मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज बहुत दूर दराज की टीमें यहाँ पे पहले फील्डिंग करेगी, कनाडिया पहले पहले मैच करेगी। कबरिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवरों में 14 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पे। वही उसरिया को मैच जीतने के लिए 3 ओवरों में 15 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदे 15 रन, अगर सूझबूझ के साथ उनके दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे तो बिल्कुल ही बहुत ही छोटा स्कोर है ये। रूल आउट के मैच में 18 रन हमने 1 ओवर में बनते हुए देखे हैं। पहला ओवर पावर प्ले का गेंदबाज तैयार कबरिया के, उसरिया के दोनों बल्लेबाज भारी भरकम शरीर के। यह बल्लेबाज बल्लेबाज नेम क्या भैया? रेहान। पहले ये पैरों के पास गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया पॉइंट की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ उसरिया का खाता खुलता हुआ। गेंदबाज तैयार पहले ओवर की दूसरी गेंद लेके लेकर राइट हैंडर बल्लेबाज। देखना है क्या होता है इस गेंद पे। जीत के लिए अभी भी 14 रनों की जरूरत है 17 गेंदों में उसरिया की टीम को। पहला ओवर पावर प्ले का है, मात्र 2 प्लेयर ही 7 गज की रेखा से बाहर है, तो निश्चित रूप से दोनों बल्लेबाज इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। गेंदबाज तैयार खबरिया के गेंदबाज। पहले ओवर की दूसरी गेंद, पहले ओवर फिर से गेंद, गेंद को पिट विकेट दिशा में खेल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर उसरिया का जा पहुंचा है 2 रन। खबरिया के कप्तान को सोचना पड़ेगा, बहुत ही कम स्कोर बना पाई है उनकी टीम, मात्र 14 रन बनाई है। अगर उसके अंदर इस टीम को रोकना होगा तो अच्छी फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। जैसे हमने लास्ट गेंद देखी थी, पहले ओवर की तीसरी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, चौथी गेंद खूबसूरत गेंद, कितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। क्या धार है इसकी गेंदों में, क्या रफ्तार है इसकी गेंदों में। इसी बीच ओवर पिच की सीधा बॉलर के हाथ में गेंद मार बैठे थे। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ उसरिया का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। पहले ओवर का खेल खेला जा रहा है, 4 गेंदें हो चुकी हैं, पहले ओवर की 5वीं गेंद है ये। देखना है क्या होता है, फिर से वही बॉल और आउट हो सकते हैं। पहला विकेट गिरता हुआ, 1 ओवर की समाप्ति पे 3 रन बना पाई है उसरिया की टीम 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल 15 के जवाब में बीता गुसरिया टीम ने 1 ओवर की समाप्ति पर अपने 1 विकेट गंवाकर 3 रन बना पाई है। अभी 12 बॉलों पर 12 रन बनाने होंगे। क्या आसान पड़ेगा इस मुकाबले को हमारे सभी कमेंटेटर। तो हमारे साथी कमेंटेटर जिस दिन से मुकाबला चालू अपना कीमती वक्त देकर इस मुकाबले को 4 चांद लगा चुके हैं, इनकी आवाज में जादू है, कला इनकी आवाज में कि हर दर्शक और हर खिलाड़ी झूम जाए जब इनकी एक मोहब्बत भरी शायरी करते हैं। भाई आज तो हालांकि मूड में नहीं है, शायरी नहीं बोल रहे भाई, हमारे इस मरतबा किले बिखेर दी है बिल्कुल बाहर के रखा है टीम है खबरिया को। भाई बारस नेम बता दें, गेंदबाज नेम का है भाई, बारस नेम बता दें। कीपर इंदौर से कह दो कि ऊपर ना फिनाए जमी पे चांद आने वाला है। कीपर इंदौर से कह दो कि ऊपर ना फिनाए जमी पे चांद आने वाला है। और सुना है कि ये बेफाशनो मार तेरी ही गली में तेरे शहर में कोई शाहरुख गेंदबाज आए हैं। तो शाहरुख भाई क्या लात बाप आपकी गेंदबाजी है महज 15 का है, जो छोटा सा लक्ष्य हमने तय किया था उस पर क्या लात बाबे गेंदबाजी आपकी रहेगी। अभी आपकी आने वाली शेष गेंदों पर पता चलेगा। फिर से अच्छी गेंद, एक मरतबा खतरा हो सकता था, हालांकि गेंद विकेट कीपर के हाथ में थोड़ा लेट पहुंची और स्कोर अभी 3 पर रुका हुआ टीम में उसरिया। 2 बहुत बड़े विकेट नुकसान इस मरतबा, अच्छी गेंद 1 रन लेने का मौका है, 1 रन पूरा कर लेंगे। दोनों बल्लेबाज अपना थोड़ बदला, इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 4-2 विकेट के नुकसान पर टीम खबरिया 15 के दबाव में। शाहरुख की अगली गेंद, लेकिन खुद बालकों ने गेंद को फील्ड किया और कोई रन लेने का कोई भी मौका नहीं, पूरी तरह से बांध के रखा बेटे में खबरिया ने उस शरिया को।